मॉर्निंग स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास फिजिक्स. टुडे वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन. आज हम सेकेंड फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन कंप्लीट हो चुकी विद क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर. टुडे वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर, क्या है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस फोर्स. तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, फोर्स. नाइन्थ सिक्स सेवेंथ क्लास से पढ़ते आ रहे हो तुम. फोर्स क्या होता है? फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो पुश करते हो या फिर पुल करते हो. ठीक है, पुश या पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. ठीक है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है रेस्ट पे. किस पे ऑब्जेक्ट? रेस्ट पे. जब तक तुम उसको ना पुश करोगे ना पुल करोगे तो ये आगे मूव नहीं करेगा. तो तुमने फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो तुमने इसको पुश किया पुल किया और ऐसे किसमें चला गया, मोशन. ठीक है, दैट इज फोर्स. ठीक है, फोर्स की कुछ कंडीशन होती है. क्या होता है फोर्स? जैसे कि तुम बास्केटबॉल खेलते हो, बास्केटबॉल खेल रहे हो, तुमने क्या किया उस बॉल को किक की. पहले वो किक किस पे थी? रेस्ट. तुमने उस पे क्या लगाया? फोर्स लगाया. तो वो रेस्ट से किसमें चली गई? मोशन के अंदर चली. ऐसे ही क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं. अब कोई ऑब्जेक्ट मान लो सीधा जा रहा है, तुमने उसपे फोर्स लगाया, टर्न कर दिया, तो फोर्स से उसकी स्पीड भी क्या हो गई? चेंज हो गई. ठीक है, ऐसे ही तुम क्या करते हो, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी. किसी मूविंग बॉडी की शेप, किसी मूविंग कोई बॉडी मूव कर रही है और फोर्स लगा के तुम उस बॉडी की डायरेक्शन को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो. ठीक है, ऐसे ही फोर्स किसी बॉडी के शेप को चेंज कर सकते हैं. मानो डस्ट रहा है, तुमने इस पर प्रेस किया, फोर्स लगा तुमने इस पर, फोर्स लगाने से इस बॉडी की क्या होगी? शेप चेंज होगी. ठीक है, तो फोर्स क्या क्या करता है? और फोर्स कैन रोटेट ए बॉडी. फोर्स हम किसी बॉडी को क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं. तो फोर्स से क्या क्या पढ़ा हमने? फोर्स क्या करता है? किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में भी ला सकता है. फोर्स से हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं और किसी भी बॉडी की शेप को चेंज कर सकते हैं. और फोर्स से कोई बॉडी क्या करवा सकते हैं? रोटेट करवा सकते हैं. तो समझ आया फोर्स क्या है? पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट. रिजल्टेंट फोर्स क्या आता है? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? टोटल फोर्स. मान लो कोई ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें फोर्स लगा इधर F1, इधर फोर्स लग रहा है F2, तो रिजल्टेंट क्या है इसका? टोटल फोर्स, दोनों फोर्सेस का सम, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्या है? बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स. तो देखो, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स. देखो, हमने क्या लिया, हमने ये कोई अर्थ या, ठीक है, अर्थ के ऊपर क्या रखा हुआ है? कोई बॉक्स रखा हुआ. ये अर्थ है, अर्थ सरफेस है, सरफेस पे कोई बॉक्स रखा हुआ है और इस बॉक्स पे दोनों साइड क्या लगी हुई है? स्ट्रिंग लगी हुई है. बॉक्स पे दोनों साइड क्या लगी हुई है? स्ट्रिंग लगी हुई है. मैंने बॉक्स को इस डायरेक्शन पे खींचा, फोर्स लगा. अब मैंने इसको इधर फोर्स लगा, इधर खींचा, तो बॉक्स किधर मूव करेगा? इस साइड भी मूव करेगा ना. मैंने क्या किया इस बॉक्स को? इधर फोर्स लगाया, तो बॉक्स की डायरेक्शन, मूविंग की डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी. ठीक है, सेकंड कंडीशन, मैंने क्या लिया, ये बॉक्स सरफेस है, ये बॉक्स रखा, इस पे मैंने फोर्स लगाया F1, इधर भी मैंने सेम फोर्स लगाया F2. क्या क्या मैंने सरफेस पे बॉक्स रखा, उस बॉक्स पे इधर फोर्स लगाया F1, इतना ही फोर्स मैंने से इधर लगाया. कोई ऑब्जेक्ट है, उधर से भी खींच रहे हो, उधर से भी खींच रहे हो, तो कहाँ रहेगा वो? उधर ही रहेगा ना, हिलेगा जरूर, बट वापस से उसी पोजीशन पे. तो यहाँ पे ये किस पे है? एट रेस्ट. ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं. तो कौन सा फोर्स है? बैलेंस फोर्स. फिर जो नेक्स्ट कंडीशन ली तुमने, नेक्स्ट क्या ली? देखो, ये आपकी सरफेस, ये मैंने बॉक्स लिया,
फोर्स, ठीक है। ये तो दोनों बैलेंस हो रहे, तो कौन सा फोर्स है? बैलेंस फोर्स है। समझ आया यहां तक? बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं, फोर्स क्या है, ठीक है। तो क्या 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 हमने पहले क्या किया? फोर्स, क्या है फोर्स? किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या फिर पुल करना। और फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। कैसी क्वांटिटी है फोर्स? देखो अब डोर का एग्जांपल लिया था हमने, अब तुम्हें पता ही नहीं होगा कि डोर इस डायरेक्शन में खुलेगा, तो चाहे तुम पुश लगाओ चाहे तुम पुल लगाओ, खुल ही नहीं सकता जब तक तुम्हें उसकी डायरेक्शन का नहीं पता लगेगा। तो इसमें क्या हुआ? डायरेक्शन भी हुआ और मैग्नीट्यूड भी हुआ। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हुए तो ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। समझ आया? जो फोर्स है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। क्या है फोर्स की एसआई यूनिट? न्यूटन, जिसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से, ठीक है। फिर फोर्स क्या क्या कर सकता है? किसी बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकता है, किसी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। फिर किसी बॉडी की शेप भी चेंज हो सकती है फोर्स की वजह से। किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में उसको किस में ला सकते हैं? मोशन में ला सकते हैं। फिर पढ़ा हमने बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स, दोनों साइड इक्वल फोर्स लगे तो कौन सा है? बैलेंस। अनबैलेंस फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ी, और कौन से फोर्स की? अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छे से लर्न करना है इन सबको, ठीक है।